ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुकृपा। गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरुर्निष्ठा परम तपः, गुरु परतरं नास्ति नास्ति तत्त्वं गुरु परम। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। जरा जोर से जयकारा लगाएं, बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की जय। सद्गुरु श्री अभिलाष साहिब की जय। सभी संत गुरुजनों की जय। सितंबर माह के पहला तारीख से आज 6 तारीख है। 6 दिन का कार्यक्रम जो चल रहा है सद्गुरु श्री अभिलाष साहेब जी के स्मृति दिवस के रूप में हर वर्ष होता है। जब से आश्रम बना तब से, लेकिन सद्गुरु श्री अभिलाष साहेब जी के निर्वाण हुआ, परिनिर्वाण 12/2012 में, तिथि रहा एकादशी, भादो शुक्ल पक्ष एकादशी, आज एकादशी है। पूज्य संत श्री धर्मेंद्र साहेब का उस समय 10 दिन का कार्यक्रम आश्रम में चल रहा था। 5 दिन बीता था, 5 दिन बाकी था। आज का दिन एकादशी, सुबह 4 बजे इलाहाबाद से समाचार आया कि सद्गुरु श्री अभिलाष साहेब परिनिर्वाण की स्थिति में पहुंच चुके हैं। नहीं, तुरंत यहाँ से रायपुर गया और इलाहाबाद गया। तो वे सद्गुरु श्री अभिलाष साहेब जी का जीवन और दर्शन जितना विशाल है, भेषदाता सद्गुरु तो मेरा श्री राम सूरत साहेब जी हैं, लेकिन माँ की तरह दूध पान कराने वाले सद्गुरु श्री अभिलाष साहेब जी हैं। इस सक्रिय आश्रम में जितना भी विभूति आप देख रहे हैं, ये आश्रम से ही 5 एकड़ खेत है, ये सब बना हुआ है, उन्हीं का देन है, मेरा कुछ नहीं है, उन्हीं का देन है। ये 20 वर्ष के ये विभूति जो दिख रहा है, न किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं। आज जैसे भोजन भंडारा ये 7-6 दिन का चल रहा है, कि मैं झोला में देखा कि मेरे पास कितना रुपया है, कितना रुपया भी सब्जी का, किराना सामान का भी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन आज मुझे ग्वालियर से आए हुए भक्त के द्वारा, श्री नोमी सिंह के द्वारा 8,600 रुपया मिला। यह कार्यक्रम आज का पूरा संपन्न हुआ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। तो सोचना नहीं पड़ता है, मांगना नहीं पड़ता है, कहाँ से आएगा, वे सद्गुरु का ही कृपा है जो कुछ भी मिल रहा है। तो सद्गुरु श्री अभिलाष साहेब न मिले होते तो हो सकता है ये सक्रिय आश्रम की विभूति जो दिख रही है और मेरा जीवन भी इस रूप में नहीं होता। पता नहीं कहाँ पर भटकता रहता है, एक रोटी के लिए, धोती के लिए, कि जमीन के लिए, वे सद्गुरु के ही कृपा है। ये जो कपड़ा मैं पहना हूँ, ये भी मुझे पहनने नहीं आता था, गुरु ने भेज दिया। तो साहेब ने कहा कि कैसे पहनते हो, तो साहेब मुझे कपड़ा भी पहनाया। झाड़ू पोछा लगाने के लिए उन्होंने ऐसे तखत में बैठे हैं, झाड़ू हम लोग लगा रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं, कहीं रेखा पड़ता बुला करके कहते देखो यहाँ पर रेखा है। उन्होंने झाड़ू लगाने के लिए, पोछा लगाने के लिए,
कलकत्ता में गया था उनके साथ में सन 74 में, रोटी बना करके साहेब को दे रहा था। साहेब ने कहा कि गुरजतन दास आविधन गया, रोटी पकी है, पकी नहीं है, रोटी खिली है लेकिन पकी नहीं है, हरा पना है, थोड़ा और सेका करो। रोटी पकाने के लिए हम लोग भोजन करने के लिए बैठते हैं तो सदगुरु श्रीविलास साहेब भोजन पहले कर लेते थे, दरवाजे पर खड़ा होते हैं, संतों को देखते हैं। भोजन करते हैं हम तो हाथ में इधर चावल भात लगा रहता है, तो साहेब ऐसे इशारा करके चाट करके दिखाते हैं। तो खाने के लिए, सफाई के लिए, झाड़ू पोछा के लिए, बोलने के लिए, हर क्षण जीवन जीने के लिए सब कुछ सिखाया। माता ने नहीं सिखाया, पिता ने नहीं सिखाया, कहीं भी नहीं। जन्मदाता तो है माता पिता, लेकिन सदगुरु हमें सब कुछ दिया, कुछ भी बाकी नहीं। वे न मिले होते पता नहीं कहाँ कहाँ क्या स्थिति होती मेरी। आप लोग मेरा कितना मान सम्मान कर रहे हैं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। इसलिए जो कुछ आप यहाँ पर देते हैं उसमें से एक कौड़ी मैं अपना नहीं मानता, ये समाज सेवक ने दे रहे हैं, ना मेरा व्यक्तिगत कुछ भी है। बैंक में दो पैसा जो कुछ भी है सबको पता है, भक्तों को भी पता है, संतों को भी पता है, जेब में है वो भी पता है, छिप करके कुछ भी नहीं है। गुरु ने कहा कि रोटी धोती और ये छाया के चिंता कभी नहीं करना, कभी नहीं करना। एक घलवे का चीज है, घलवे, घलवे कहते हैं पुरौनी को। जैसे एक किलो परवर खरीदा हमने बाजार में तो कहते हैं दो ठो मिर्चा डाल दें, दो ठो दो डाढ़ी धनिया डाल दें, उसका पैसा नहीं देना पड़ता है। वो दो ठो मिर्चा भी डाल दिए, धनिया भी डाल दिए, पैसा किसका दिए हैं, परवर का। ऐसे ही सदगुरु ने कहा अपने जीवन और दर्शन को बनाओ, जो जीवन जीना चाहिए, लेकिन रोटी धोती और छाया घलवे का चीज है, सोचना नहीं पड़ेगा, कहीं जाना नहीं पड़ेगा, ये सब मिलेगा, उनका ही आशीर्वाद से सब मिल रहा है, कहीं किसी से मांगना नहीं पड़ा। कार्यक्रम से लेकर के आज है, एक दो दिन का अनुभव नहीं, 20 वर्षों का अनुभव है। आज साहब जी का निवास अभी 26 तारीख से चल रहा है, लेकिन आज के बाद साहब चले जाएंगे ऐसी बात नहीं है, ध्यान रखना। आज एकादशी होने के कारण से साहब का निर्वाण दिवस है, आज कार्यक्रम का अंतिम है, लेकिन अभी और रहेंगे। जिसको पंजीयन करवाना है सुबह शाम अपने घर में अपने गांव में वो करवा सकते हैं। जैसे कल सिमरिया जाना है शाम को रामशरण जी के यहाँ, तो इस प्रकार से अभी साहेब का है समय, जो समय आप लोग लेंगे वहाँ जाएंगे, बाकी समय यहाँ रहेंगे, यहाँ रहेंगे और यहाँ सत्संग भजन जो लाभ लेना चाहे यहाँ आकर के ले सकते हैं, और जो अपने गांव में घर में ले जाना चाहेंगे। तो इस प्रकार से यह कार्यक्रम पिछले महीना में श्री रतन साहेब जी आए थे, 10 दिन तक वो भी रहे, और अगले महीना का जो कार्यक्रम होना है वो भी आप सबको बता देता हूँ। एक पहुँचे हुए विद्वान संत बुढ़ानपुर के श्री अमोही साहेब, श्री अमोही साहेब इस स्मृति भवन के भूमि पूजन किए थे, भूमि पूजन उन्हीं के द्वारा हुआ है, उसके बाद ये निर्माण हो गया, लेकिन आज तक नहीं आए थे। उनका आगमन 30 तारीख को होगा, 30 से शुरू होगा यहाँ कार्यक्रम एक, और गांधी जयंती 2 अक्टूबर को है उसमें भी रहेंगे, और 3 तक यहाँ 4 दिन का उनका कार्यक्रम होगा। आप लोग अपनी डायरी में लिख लें, सूचना देना न पड़े, आप सब अधिक से अधिक संख्या उसमें भी आए। तो इस प्रकार से गुरु की कृपा से
संत महात्मा का भी आशीर्वाद मिलता है और आप सब भक्तों का सहयोग मिलता है गुरु पथ में चलने से। इसलिए सदगुरु श्री अविनाश देव का जीवन और दर्शन को हम सब गहराई से चिंतन करें, गहराई से उनका ज्ञान भक्ति और वैराग्य, ज्ञान भक्ति और वैराग्य उनको गुरु से मिला और गुरु से मिलने के बाद इतना डुबकी लगाया उन्होंने, चल करके दिखाया। साहब से कहा कि साहब जी जब आपके शरण में आया था, हम लोग गुरु की शरण में उस समय आया सन 69 में, तो 69 में एक लगे करीब करीब 30 ब्रह्मचारी आ गए थे, यहाँ के भी और बाहर से भी 30 ब्रह्मचारी एक ही साल में, और पुराने संतों का भी जमघट था। यहाँ भ्रमण होता था गांव गांव में, 3 दिन 4 दिन 15 दिन तक से के गांव में होता था। तो कुछ दिन के बीते बाद में मैंने इलाहाबाद में साहब जी बैठे थे, साहब से कहा कि जब आपके शरण में आया तो इतना संत थे, लेकिन उस संतों में आज उंगली में गिनने भर का है। नया लोग फिर आ गए हैं, लेकिन पुराने में जिस समय आया उस समय नहीं। साहब ने कहा जिस समय तुम आए हो तो किसको देख करके आए हो? मुझे देख करके? मैं हूं कि नहीं हूं? मेरा स्थिति कैसे है? बस एक सूर्य एक होता है, सूर्य एक होता है और उसी से सबको ऊर्जा मिलती है। उसी प्रकार से सदगुरु श्री विलास देव के जीवन और दर्शन के माध्यम से हम सबको आज मिल रहा है रोटी धोती छाया, उन्हीं का कृपा है। इलाहाबाद में इतने संत समाज है और इलाहाबाद के विभूति और छत्तीसगढ़ गुजरात और विभिन्न प्रांतों में जो विभूति है उन्हीं का कृपा है, उनका जीवन और दर्शन का है। इस प्रकार से उनके जीवन और दर्शन बहुत महान, उसके महानता को कोई आंक नहीं सकता है। सदगुरु कबीर साहेब के बाद पारखी संत बहुत हुए, बहुत संत हुए। बुढ़ान गुजरात में बड़ौदा है, वहाँ एक आश्रम है पानी दरवाजा, वहाँ के आचार्य थे, उनका उम्र हो चुका था उस समय 75 का और साहेब का उम्र उस समय था करीब 50 का। हम लोग साहेब के शरण में थे, साहेब के साथ में वहाँ गए। जब वहाँ गए वो आचार्य कई दर्शनों के आचार्य थे और उन्होंने जब वहाँ गया तो साहेब के लिए अपना उनके आसन गद्दी इतना ऊंचा लगा था, 6 इंच ऊपर गद्दी लगा था, उतने ऊंचा गद्दी साहेब के लिए बनाया बनवा कर रखे थे और संतों के लिए दरी बिछा करके रखे थे। साहेब गए तो चटाई में बैठ गए, तो वो स्वामी जी भी चटाई में बैठ गए, गद्दी वो भी छोड़े, पहले हाथ जोड़े, साहेब नहीं माने तो गद्दी छोड़ दिए, दोनों चटाई में बैठ गए। साहेब निवेदन किए आप गुरु हैं, आप मेरे पिता तुल्य हैं, आप गद्दी में बैठे, मैं आपके बच्चा हूं। साहेब स्वामी जी ने उसका तुलना किए, तुलना दिए कि आप सदगुरु कबीर साहेब के बिल्कुल समान हैं, कबीर साहेब के बराबर हैं पूरा पूरा, उसमें एक पैसा कसर नहीं है। मैं तो कुछ दर्शनों को पढ़ करके आचार्य बना हूं, लेकिन आप उनके जीवन पर चल करके आचार्यत्व को प्राप्त किए हैं। मुझे कोई बता दे कि स्वामी जी आपके बगल में बैठे हैं वो कौन है? कोरी है, पासी है, भंगी है? मैं तुरंत भोजन कर रहा हूं, उठ करके चले जाऊंगा। मेरे पना अंदर में अभी भावना भरा हुआ है जाति पाति का, लेकिन आपके साथ में कोई हिंदू है, सिख है, मुसलमान भी उस समय थे, ईसाई भी थे साहब के शरण में, कौन कोठारी, कौन भंडारी, कौन अनरक्षक? तो जो सदगुरु कबीर ने करके कह करके गए हैं उस रास्ता में आपने चल करके दिखा रहे हैं।
इसलिए सदगुरु कबीर के बाद आज 500 साल हो गए हैं, आप दूसरे कबीर की हैं। उस आचार्य ने साहेब को तौला है, उनके सामने हम लोग साहेब के साथ में ही थे, तो साहेब के द्वारा जो दुनिया को प्रकाश मिला है वह प्रकाश हम सबके लिए, वे साहेब न मिले होते तो बुद्ध क्या कहते हैं, महावीर क्या कहते हैं, ईसा क्या कहते हैं, कन्फ्यूजनियस क्यों क्या कहते हैं, संसार के महापुरुषों का जो जीवन दर्शन, रामायण गीता महाभारत वेद क्या, ये सारा दर्शनों का हम लोग नहीं जानते, उनके ही देन है। न कबीर पंथ में आज तक 500 साल बीता किसी संतों ने पर मत का खंडन करते रहे और कबीर साहब का ही मंडन करते रहे, लेकिन अन्य महापुरुषों को अपने दादा बाबा पिता पितामह नहीं समझे थे, लेकिन सदगुरु ने अभिलाष देव ने सभी महापुरुषों का अपना पिता पितामह समझ करके सबको अपना समझे, और सभी महापुरुषों के जीवन दर्शन आप योग पढ़ करके देखिए, केवल योग दर्शन पर है, केवल उपनिषद पर ही पढ़ करके बीजक को छोड़ देंगे, इसी से मेरा कल्याण हो जाएगा, इसी से सदगुरु के हाथ जिसमें लग गया, सदगुरु अभिलाष देव के, वे दर्शन पूरा भवतारक हो गए। तो इस प्रकार से सदगुरु श्री अभिलाष साहेब का जीवन और दर्शन इतना विशाल इतना विशाल इतना विशाल जिसे आका नहीं जा सकता है, उसके पद चिन्हों पर हम सबको बिल्कुल समर्पित होकर के चलें तो इसी जीवन का में हमारा बेड़ा पार हो सकता है। साहेब ने कहा, सदगुरु से अभिलाष साहेब ने, इस शरीर को अंतिम समझना, इस शरीर को अंतिम समझना, और कल का दिन आए कि ना आए क्या पता, इसलिए जीवन में जो कुछ भी अपना ममता है सारी ममताओं को नष्ट कर दो, कुछ मेरा नहीं, कोई मेरा नहीं, और इसी जीवन में आज ही तुम्हारा कल्याण है। तो इस प्रकार से निर्वाण की दशा में हमको पहुंचा करके सदगुरु यहाँ से प्रस्थान किए हैं, तो वो निर्वाण की स्थिति में हमें पहुंचा चुके हैं, हमें बस अपने चित्त को उसमें जोड़ करके चलना है, चित्त को इधर उधर न भटकें। सदगुरु श्री कबीर साहेब, सदगुरु अभिलाष देव बीच के बहुत जीवन मुक्त संत हुए हैं, उन सबका भी उसी के बीच में समाहित है, तो इसलिए आज सदगुरु श्री अभिलाष साहेब का जीवन और दर्शन हम लोग उनके स्मृति दिवस में हम लोग बैठे हैं, तो साहेब जी का कार्यक्रम चल रहा है, मैं अधिक समय नहीं लूँगा आप सबके, और साहेब जी के अनमोल वचन सुनेंगे हम सब, और साहेब जी के जीवन और दर्शन, यहाँ पर साहित्य भी है, एक एक साहित्य दो दो साहित्य ले करके भी जाएं, पुस्तक समय दान आप सब दें साहेब का पुस्तक पढ़ने के लिए, कुछ समय दान तो दें अपने घर में, सबको समय देते हैं लेकिन साहेब के साहित्य को लेकर के सुबह शाम दोपहर कुछ समय उनके दर्शनों को हम लोग पढ़ें समय निकाल करके, तो हमारा निश्चित ही अपना जीवन का नक्शा बदलेगा। तो सदगुरु श्री अभिलाष साहेब को हृदय से नमन करते हुए उनके पद चिन्हों पर चलने के लिए दृढ़ संकल्प लेते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरु श्री अभिलाष साहेब की जय, और जरा जोर से बोलिए सदगुरु श्री अभिलाष साहेब की जय।